हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दिस इज अकाउंटिंग रेशियोज। काफी सारे फॉर्मूलेज इसके अंदर होते हैं। बच्चे नॉर्मली कहते हैं, सर इतने सारे फॉर्मूले याद ही नहीं होते। मैं तो कहता हूँ याद करने की जरूरत ही नहीं, कि उनको अगर अपन समझ लें तो भी अपना काम हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सभी फॉर्मूलों को समझाया है, ये फॉर्मूले बने कैसे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से इसके कंटेंट कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे मैंने उसमें बैलेंस शीट का यूज किया है, कैसे डायग्राम्स को हमने यूज करते हुए, बैलेंस शीट को यूज करते हुए फॉर्मूले बनाए हैं। तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर उन सब चीजों को देखेंगे। देखते हैं, तो अपना चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे कि अकाउंट सारे बन चुके हैं। नाउ मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है और मैनेजमेंट उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अपने मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज करता है, कैसे उस डेटा का एनालिसिस करता है, उसके लिए काम क्या आता है, रेशियोज। तो रेशियोज जो है वो एक मैनेजमेंट का टूल है कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में काम आता है। सही है। कौन कौन से रेशियो होते हैं सर, रेशियो के टाइप्स क्या हैं? तो वैसे तो रेशियो के बारे में मैंने वहां थ्योरी भी समझाई है और देन हर फॉर्मूले को अलग अलग मैंने समझाया, पर मैं एक बार हेडिंग्स आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप जो यहां सीखेंगे वो सीखेंगे लिक्विडिटी रेशियोस, कि लिक्विडिटी रेशियो क्या है। इसमें आप करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो टाइप के रेशियो सीखेंगे। नंबर टू आपका आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इसमें भी आप डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, काफी सारे रेशियो इसके बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। नंबर थ्री आपका आएगा टर्नओवर रेशियोस। ये बेसिकली एक्टिविटी रेशियोज कहलाते हैं। इसके आप देखते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस देखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि इन्वेंट्री का आना जाना कैसा है, डेटा टर्नओवर रेशियो डेटा से हमारे ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, डेटा कलेक्शन पीरियड यानी डेटर्स को जो हमने उधार में माल बेचा, क्रेडिट पे माल बेचा, वो कलेक्शन कितने दिनों में हो रहा है, क्योंकि अगर डिले हो रहा है तो वो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने लोन्स ले रखे हैं और आपका पैसा अटका हुआ है। इसके अलावा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कि आपने जिन लोगों से उधार में माल परचेज किया है उनको आप कितने दिनों में माल जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और भी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, बहुत सारे टर्नओवर रेशियोज होते हैं, वो सारे आपके यहाँ डिस्कशन में जो है वो आपके आएंगे। और देन आपका आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें आप फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। इसके अंदर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, इसके अंदर आप नेट प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, हर तरीके से ये आंसर जो है ना वो आपके परसेंटेज में आएंगे। सही है। टर्नओवर रेशियो जो है उनका आंसर टाइम्स में आता है और लिक्विडिटी रेशियो का और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का जो भी आंसर आएगा उसको इस टू वन के कंपेरिजन में आप दिखाते हैं। तो हर चीज का एक तरीका, एक पैटर्न है। पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लान तरीके से यदि की जाए तो वो इजी हो जाती है। जैसे अब आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें चार टाइप के रेशियो समझने हैं, लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इनके इनर कंटेंट है वो भी बारी बारी से डिस्कस होंगे, किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से बोर्ड के अंदर वर्किंग नोट बनाया जाता है। क्योंकि देखो बोर्ड में जो मार्किंग होती है वो स्टेप मार्किंग होती है ना। तो अगर अलग अलग स्टेप आप अलग अलग करके दिखाओगे तो अगर एक स्टेप गलत भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्टेप्स के नंबर तो मिलेंगे। तो ये एक्सपीरियंस का यूज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने क्या किया कि हर फॉर्मूले आपको समझाए हैं, हर फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं, फिर उसमें मिसिंग के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में मिसिंग के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली अपियर होते हैं तो मैंने उनका क्वेश्चन कराया है। इसके अलावा वहां इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन जो हैं वो भी आजकल बोर्ड में कंटिन्यूटी पूछे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। तो सभी फॉर्मूले के बारे में डेप्थ डिस्कशन प्लस उनके न्यूमेरिकल, हाउ टू यूज फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। तो जब आप काफी सारे क्वेश्चन आप अपने सामने होते देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। सबकी पीडीएफ फाइल्स आपके पास सामने रहेगी, वीडियोस आप कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और मैं आपको हमेशा ही कहता रहा हूं, वीडियोस को बार बार पॉज करके देखना है, उसको एक स्ट्रेच में नहीं देखना, बिकॉज इट इज नॉट ए मूवी एट ऑल।
आप कोई मूवी नहीं देख रहे कि कोई टॉपिक निकल भी गया, कोई सीन निकल भी गया तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये स्टडी है, यहाँ एक एक वर्ड आपके लिए बहुत कीमती है, तो जब तक समझ में ना आए आगे ना बढ़े। सही है, तो वो चीज समझ के लिख के आगे बढ़े, फिर एक बार दोबारा भी देखोगे तो आपको चीज समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे जो वेबसाइट है, जो हमारा चैनल है, उसका सबसे बड़ा पर्पस ही यही है कि आपके लिए स्टडी एनी टाइम एनी वेयर हो। भाई आपका मूड बन गया जी आज तो रात को पढ़ना है खूब सारा, तो डेफिनेटली आप बैठिए, आपके सामने वीडियोस की लाइन लगी हुई है, हर कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन है। क्योंकि यूट्यूब पे आप जाके ढूंढते हैं, एक क्लिक करते हैं पता लगा कि 500 ऑप्शन आ गए, आपको क्या पता कौन से वीडियो में आपको अच्छी चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक मिल भी गई 2 घंटे की मेहनत में, तब तक तो आपका मूड ही खराब हो जाएगा, 10 मिनट का टॉपिक देखने के लिए आपका 2 घंटा वेस्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको कहूंगा आप हमारे चैनल पे आइए, सब चीजें आपको लाइन से मिलेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हैं। और अगर आपको कोई कमी लगती है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कर दीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको ऑन स्टेच एक बार में दूंगा। ओके, थैंक यू।